तो दोस्तों, स्मज पेंटिंग में आपको हेयर क्रिएशन में दिक्कत आती है, बाकी सभी चीज़ें तो अच्छे से हो जाती है, पर जब हेयर क्रिएशन की बारी आती है तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप सही जगह पे हैं, स्वागत है आपका प्रशांत यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इजी तरीके से हम हेयर क्रिएशन कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, हेयर हाईलाइट डाल सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम इजीली अपने हेयर को बना सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से। वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन वाली होगी, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चलो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सीखते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अभी देखेंगे कि किस तरह से हम हेयर क्रिएट कर सकते हैं और हेयर क्रिएट करने के कितने तरीके हैं। तो पहला तरीका है नॉर्मल ब्रश। तो ये ब्रश है, ये ब्रश से नॉर्मल कैसे हेयर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पिन पाथ से भी हेयर क्रिएट कर सकते हैं, और तीसरा है कि स्मज 3 डॉट वाले ब्रश से भी हेयर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये करना कैसे है। तो मैंने एक न्यू पेज लिया है, और पहला पहला ऑप्शन है कि नॉर्मल ब्रश से हेयर कैसे बनाना है। तो मैंने ये ब्रश लिया है, हमें जिस कलर का हेयर बनाना है, नॉर्मली तो ब्लैक ही बनाते हैं। तो अगर आपके पास पेन टैबलेट वगैरह है तो ये ऑप्शन आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को नैरो कर सकते हैं। यहाँ पेन प्रेशर से ओपेसिटी और इधर पेन प्रेशर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम देख, अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, कि हमें यहाँ पे ब्लैक कलर जो भी चाहिए वो कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नॉर्मली ऐसे हेयर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे भी हमें चाहिए वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये पेन प्रेशर ऑन ऑफ रहता है तो उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा, ठीक है। ये मुश्किल नहीं, नॉर्मली ब्रश से हेयर बनाना है, ऐसा 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 ऐसा, जो जितने हेयर बनाने हैं उतने हेयर हम ऐसे नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। दूसरा ऑप्शन है कि पेन पाथ से कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन टैबलेट नहीं है और हमें ऐसा स्मूथ हेयर चाहिए, अभी अगर आपके पास माउस है, और माउस से दिक्कत क्या होती है, अगर नॉर्मल ब्रश से अगर हम हेयर बनाते हैं तो ये स्मूथ नहीं होता है। आप देखेंगे तो एक वेव टाइप आ रहा है, एकदम स्मूथ नहीं है। अगर पेन पेन टैबलेट है तो स्मूथली ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, पर अगर आपके पास माउस है तो ऐसा 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 होएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। हमें हेयर है वो स्मूथ चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पेन पाथ से कैसे कर सकते हैं ये देखना है। हमें जैसा भी हेयर चाहिए पहले तो पेन पाथ से हम अपना, हमें ऐसा हेयर चाहिए। अगर ये ब्रेक करना है, दूसरा हेयर ड्रॉ करना है, तो हमें एस्केप बटन दबाना है, अपने कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे ऊपर एस्केप बटन है, उसको दबाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद हम दूसरा पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तीसरा ड्रॉ करना है तो फिर से मुझे एक एस्केप बटन दबाना पड़ेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो तीसरा पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कई दोस्त के फोन आते हैं कि एस्केप बटन दबाने से भी ये पेन पाथ ब्रेक नहीं होता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आप कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद देखो उसका आइकॉन चेंज हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक किया तो भी ब्रेक हो जाएगा। एक और पाथ बनाया, फिर कंट्रोल पकड़ा और बाजू में क्लिक किया या एस्केप बटन दबाया। अगर ये भी ऑप्शन काम नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक पाथ ड्रॉ किया, ब्रश टूल सिलेक्ट किया, कोई दूसरा टूल सिलेक्ट करेंगे तो भी ये ब्रेक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। अगर ये तीनों भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, एक एस्केप बटन दबा सकते हैं, दूसरा
पाथ ड्रॉ करके कंट्रोल पकड़ के बाजू में क्लिक करेंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा, या टूल चेंज करेंगे तो भी कई बार हो जाता है। ओके, इसके बाद जितनी हेयर ड्रॉ किए हैं उसको कंट्रोल पकड़ के सब सिलेक्ट करना जरूरी है। आप ध्यान से देखेंगे तो एरो चेंज हो जाएगा। देखो, कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये सभी पाथ सिलेक्ट करना जरूरी है, उसके जो सिलेक्शन है वो आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं अभी ये 19 नंबर का ब्रश है, आप ये ब्रश है, ये इतने ब्रश मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, या इसका सेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल ब्रश लेके उसका सेटिंग ये करेंगे, शेप डायनेमिक ट्रांसफर, और ये इतना हार्डनेस 100% किया है और स्पेसिंग 10% किया है, ये सेटिंग आप नॉर्मल ब्रश को भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं करना है तो। और उसके बाद ये सेटिंग चेंज करके आप न्यू प्रीसेट करके उसको ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ब्रश पेन पाथ के लिए, हेयर क्रिएट करने के लिए। तो 19 नंबर का ये ब्रश है, तो मैंने वो ब्रश सिलेक्ट किया, उसका ओपेसिटी वगैरह और फ्लो 100% किया। उसके बाद आपको जितना साइज का हेयर चाहिए उतने साइज का ब्रश साइज रखना है। आप इंटर के बाजू में जो ब्रैकेट इन ब्रैकेट आउट का है बटन है, उसको प्रेस करके साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से भी आप ब्रश का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमें जितना ब्रश का साइज चाहिए उतना ब्रश का साइज रखना है। ओके, उसके बाद हेयर का कौन सा कलर चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अभी तो ब्लैक ही ले लेता हूँ। कई बार हमें पीछे के लाइट दिखाना है तो व्हाइट कलर सिलेक्ट करना पड़ता है, पर अभी आपको दिखाने के लिए मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद ये सब न्यू लेयर पे करते हैं। फिर से पेन टूल सिलेक्ट कर दिया, सभी पाथ सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करना है। इस यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करना है और सिमुलेट प्रेशर पे यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, उसके बाद आप ओके करेंगे तो वो हेयर क्रिएट हो जाएगा। इसमें खास बात क्या है, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो नैरो है, मतलब ट्रांसपेरेंट है थोड़ा बहुत, तो वो अच्छा लुक आता है या ओरिजिनल हेयर टाइप लगता है, नहीं तो एक लाइन ड्रॉ की ऐसा दिखेगा। इसके बाद पाथ तो वैसा ही है, इसके लिए हमें क्या करना है, पाथ निकालना है, तो कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कंट्रोल डी बटन प्रेस करने के बाद वो सिलेक्शन निकल जाएगा। तो हमारे ये लेयर पे सिर्फ हेयर बचा है। ओके, तो नॉर्मल ये लिखता हूं यहाँ पेन पाथ, ये पेन पाथ का है, इसको हाइड कर देता हूँ, और ब्रश नॉर्मल ब्रश से तो मैंने देखा था ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। और अभी इसको भी हाइड कर देता हूँ। अभी थ्री डॉट वाले ब्रश से देखेंगे कि मैंने स्मज टूल, अभी यहाँ पे ब्रश नहीं सिलेक्ट करना है, स्मज टूल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे थ्री डॉट वाला ब्रश लेना है, जो मैं दे रहा हूँ वो लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको हर एक डॉट को थोड़ा थोड़ा फेदर दिया है। यहाँ पे स्ट्रेंथ 85 या 90 के आसपास रहना चाहिए, तभी वो अच्छा लुक मिलेगा, या उतने डिस्टेंस पे वो स्मज करेगा। ओके, और जो भी कलर चाहिए वहां पे सिलेक्ट कर दिया, तो हमें क्या करना है, अल्ट प्रेस करके रखना है, ध्यान से सुनिए, अल्ट प्रेस करके रखना है, और उसके बाद हमें एक बार यहाँ पे स्मज करना है और अल्ट छोड़ के यहाँ पे एक बार करना है। तो हुआ क्या, जब हम पेन पाथ से ड्रॉ करते हैं, या इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नैरो है, सेम उसी टाइप से, पर यहाँ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट थोड़ा नैरो है, जितना चाहिए वैसा खींच सकते हैं इसको। पर इसका बेनिफिट अच्छा क्या है, मैं ये टूल ज्यादा यूज क्यों करता हूँ हेयर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वन टाइम में 3 हेयर ड्रॉ हो सकते हैं इससे, तो क्वांटिटी ज्यादा होती है और थोड़ा हेयर टाइप का अच्छा लुक मिल जाता है, इसलिए मैं ये ज्यादा यूज करता हूं। तो ऐसे
नॉर्मल आप स्मज करेंगे तो वो स्मज हो जाएगा, और अल्ट प्रेस करके करेंगे तो वो कलर विथ स्मजिंग आ जाएगा। ओके, तो यहाँ नॉर्मल ब्रश देखा, पेन पाथ से कैसे क्रिएट कर सकते वो देखा, और स्मज थ्री डॉट वाले ब्रश से कैसे कर सकते ये देखा। ये नॉर्मल ब्रश से किया हुआ, ये पेन पाथ से किया हुआ, और ये थ्री डॉट वाले ब्रश से किया हुआ। ओके, आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी यही ट्रिक अपने फोटो पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलरेडी एक पेंटिंग बनाया है, मैंने उसका हेयर का काम बाकी रखा है और बाकी स्मजिंग कलर अप्लाई वगैरह कर दिया है। सिर्फ ये फोटो में आपको हेयर क्रिएट कैसे करते हैं ये समझाने के लिए उतना वर्क पेंडिंग रखा है। ओके, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको एक ग्रुप बना के रखता हूँ। अभी क्या करना है हमें, ये इसके साथ फोटो के साथ अपना ये हेयर है कट करके रखा है मैंने, तो हमें पहले क्या करना है कि अभी देखो इसमें हेयर क्रिएट करते टाइम दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है कि लाइट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसमें वहां पे हम व्हाइट कलर डाल सकते हैं ताकि हेयर पे वो बाउंस लाइट लगे। ओके, दूसरी बात है कि जो कई बार क्या होता है एग्जैक्ट कट नहीं होता है, एक दो हेयर बाहर आते हैं वो दिखाना है। तीसरी बात, ये पेंटिंग करते टाइम आपको नीचे से मर्ज करना है ताकि फोकस अपने चेहरे पे यहाँ पे रहे। ओके, और उसके बाद यहाँ के जो हेयर है वो कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। यही है ट्रिक, ये तीनों से ही अपने फोटो को कैसे वो चीजें अप्लाई कर सकते हैं ये देखना है। ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे से जो कटिंग लग रहा है तो उसको थोड़ा मर्ज कर देता हूँ, तो मैं उसको डिलीट कर दिया है थोड़ा सा इरेजर से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओरिजिनल है हेयर वहां पे बहुत सारा नॉइज है, हालांकि अपना फेस एकदम नेट एंड क्लीन है, ग्लॉसी है, पर हेयर में यहाँ पे बहुत नॉइज है। तो पहले तो ओरिजिनल हेयर का जो नॉइज है हमें निकालना है। इसके लिए हमें करना क्या है, अपनी सिंपल स्मज टूल सिलेक्ट करके 65 नंबर ब्रश लेके उसके बाद इसका स्ट्रेंथ बहुत कम करना है, करीबन आप 30% या 40% 40% उतना कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश को बड़ा करना है और मैं इसको और कम कर देता हूँ, और हेयर के ऊपर से खाली घुमाना है, जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन से घुमाएंगे तो होगा क्या, हेयर का जो डिटेल है वो भी नहीं निकलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हेयर का डिटेल भी नहीं निकल रहा है, जो हेयर डायरेक्शन है वो भी हमें दिख रहा है, और उसके अंदर का जो नॉइज है वो भी स्मज हो रहा है। एक हल्का सा इतना सा ही करने से एक पेंटिंग लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका नॉइज है वो निकालना है और हेयर डायरेक्शन देखना है, और ये स्मज से स्ट्रेंथ कम करने से क्या होगा, ऑयल पेंट इफेक्ट भी दिखेगा थोड़ा बहुत और नॉइज से निकल जाएगा। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा स्मूथ हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, पहली चीज क्या करना है, यहाँ पे लाइट डायरेक्शन देखना है कि अभी देख सकते कि यहां से हल्का लाइट डायरेक्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जिस डायरेक्शन में लाइट है उसी डायरेक्शन में मैंने अभी लाइट डालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, कंट्रोल जे दबाऊंगा तो डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा। उसके बाद मैं एपिक्स में आता हूँ, उसके बाद इनर शेडो कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सा कलर चाहिए, तो मैं जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और जो कलर पीछे है उसी का मैं लाइट कलर लूंगा। व्हाइट लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, पर उसमें से थोड़ा कलर रहेगा तो वो अच्छा फील आ जाएगा, लगेगा कि वही कलर हेयर पे पड़ा है।
ओके, तो हल्का सा पूरा व्हाइट ना लेके थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ ब्लेंडिंग मोड है, वहाँ पे लिनियर डॉज ऐड पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन से लाइट चाहिए, तो मैं इस डायरेक्शन से लेता हूँ, तो ये डंडी मैंने ये साइड पे रखी है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसका ये देखना है, तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। दूसरे है कि उसको कितना स्मूथ कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, 5-6% ही करूँगा। ओके, तो ये साइड से लाइट आ रही है। ओके, इसको ओके कर देता हूँ, और ये इफेक्ट इस लेयर को ऐड हो गया है, तो इसके नीचे वाले लेयर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके नीचे और एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ और उसको उसके साथ मर्ज कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो इफेक्ट है वो एक लेयर में ही ऐड हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अल्ट प्रेस करके ये मास्क बटन पे क्लिक करूँगा, तो सभी चीज़ें ऐड हो गई। तो मैं ब्रश ले लूँगा, यहाँ पे फोरग्राउंड पे वाइट कलर सिलेक्ट कर दिया है, और जितना चाहिए इफेक्ट सिर्फ उतना ही इफेक्ट मैंने यहाँ पे ब्रश ड्रॉ कर दिया है। अभी पूरा था तो पूरा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे इतनी एरिया में चाहिए था, तो मैंने उतनी एरिया पे ब्रश ड्रॉ कर दिया है व्हाइट कलर से मास्क करके। आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं चाहिए तो मैंने एक्स बटन दबाएंगे तो ब्लैक कलर ऊपर आ जाएगा, एक्स बटन दबाएंगे तो व्हाइट कलर ऊपर आ जाएगा। ब्लैक का मतलब हाइड करने के लिए है और व्हाइट का मतलब शो करने के लिए है। ओके, तो मुझे इतना एरिया में चाहिए था, इतना ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको जो लाइट डाली है उसको मेन लेयर हेयर के लेयर के साथ मर्ज कर देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, 3 डॉट वाला ब्रश ले लूँगा, उसका स्ट्रेंथ 85 कर दूंगा, और उसके बाद उसको हेयर जैसा दिखाना है इसलिए मैं उसको अंदर खींचूंगा। अगर स्ट्रेंथ आपको कम ज़्यादा आपके फोटो के हिसाब से रखनी है रख सकते हैं, वो थोड़ा एकदम लाइन ड्रॉ किए ऐसा ना दिखे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हेयर जैसा फील आ सके इसलिए हम 3 डॉट वाले ब्रश से थोड़ा थोड़ा उसको अंदर खींचेंगे, तो ऐसा लगेगा वो हेयर है। ओके, अगर आपको ज्यादा लाइट लगती है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसका ओपेसिटी कम कर दूंगा ताकि वो फील आ सके अच्छे से, और उसके साथ मर्ज करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंस लाइट दिख रही है। सेम अगर यहाँ पे भी स्मज के साथ करना है तो उसको भी मर्ज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, आप अच्छे से कर लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्पीड से कर रहा हूँ ताकि आप सिर्फ समझें। ओके, यहाँ पे कुछ डिटेल दिख रही है, उसको भी आप थोड़ा खींच सकते हैं ताकि वो फ्लो दिखा सके। उसके बाद क्या करना है, अभी मैं 3 डॉट वाले ब्रश से यहाँ पे हेयर क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका ही एक स्काई ब्लू कलर लेता हूँ, ये कलर आप देख लेना कहाँ का सिलेक्ट किया है, और उसके बाद ब्लैंक न्यू लेयर लिया है। उसके बाद मैं उसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 90% कर देता हूँ, और उसके बाद अल्ट प्रेस करके एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, जैसा फ्लो है जो हाईलाइट है। अभी इस ब्रश से क्या करना है, पूरा ड्रॉ नहीं करना है, जहाँ जहाँ हाईलाइट है अभी देखो पूरा नहीं ड्रॉ करना है, जहाँ जहाँ हाईलाइट है सिर्फ वहाँ का एरिया में स्मज कर रहा हूँ, सिर्फ हाईलाइट को दिखा रहा हूँ, बाकी पूरा ब्लैक ही रहेगा। ऑलरेडी बालों पे हाईलाइट दिखता है, हमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ा आर्टिस्टिक दिखाने के लिए उसके ऊपर स्मज करना है, और ये जितना नजदीक नजदीक करोगे उतना वो हेयर का फ्लो दिखेगा अच्छे से।
जहां हाईलाइट है वही के ही बाल ड्रॉ करना है, ध्यान रखिए। एक बार यहां, एक बार यहां। ऐसे हेयर क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखोगे तो वो कीचड़ टाइप दिख रहा है, आप देखेंगे वो स्मूथ नहीं है, वो कीचड़ टाइप दिख रहा है, थोड़ा नॉइज वगैरह कहीं बड़ा कहीं छोटा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना है, फिर से 65 नंबर ब्रश लेना है, जैसे पिछले वाले बालों को किया था, सिर्फ फिर से इसका स्ट्रेंथ 30% रख दिया और इसको स्मूथली उसी डायरेक्शन से स्मज कर दिया। एक बार थ्री डॉट वाले ब्रश से किया, उसके बाद उसको स्मज किया ताकि वो पूरा उसका नॉइज निकल जाए और वो स्मूथ लगे। तो अच्छे से उसके साथ स्मज भी हो जाएगा और स्मूथ भी दिखेगा। और उसके बाद इतना करने के बाद, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, आप एकदम आराम से अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ का भी नहीं किया आप कर लीजिए। और इसके बाद आपके फोटो के हिसाब से उसका ओपेसिटी कम ज़्यादा कर दिए। ऐसा एकदम लाइट नहीं करना है, एकदम कम भी नहीं करना है, अपने फोटो के हिसाब से उतना कितना सूट करता है उतना कर सकते हैं। उसके बाद अभी क्या करना है, नॉर्मल ब्रश से, ये थ्री डॉट वाले ब्रश से किया, इसके बाद हम जो बाहर निकलने हुए हेयर है वो दिखा सकते हैं। इसके लिए अभी नॉर्मल ब्रश से कैसे करना है, सिंपली व्हाइट कलर सिलेक्ट कर दिया है और मैं पेन प्रेशर ऑन कर देता हूँ और उसको सिंपली सटाके, एकदम सटाके आपको ऐसा हेयर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा लगे कि बाहर निकले हुए हैं। ध्यान रखना है कि ब्रश का साइज एकदम कम रहना चाहिए। और दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि बालों को सटाके रखना है, सटाके मतलब ऐसा नहीं रखना है, बाल इधर रहेगा और कई लोग कर देते इधर से, ऐसा ऐसा नहीं करना है। जितना आप इसका चाहे तो ओपेसिटी कम कर दो ताकि वो मिक्स अच्छे से दिखेगा, और एकदम सटाके उसका साइज कम करके जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप कर सकते हैं उतना अच्छा दिखेगा और अच्छा रियलिस्टिक इफेक्ट भी आएगा। वो एक दो ऐसा कर सकते हैं ताकि एक दो एक्स्ट्रा ज़्यादा निकला है, पर पूरे सभी इतने दूर से नहीं, जितना नजदीक से हो सकता है उतना नजदीक से आप लीजिए, उतना अच्छा लुक आ जाएगा। ओके, अभी ये साइड में करना है तो मैं ये साइड में थोड़ा ब्लैक कर दूंगा ताकि इधर से लाइट आए, जिधर से लाइट आई वो साइड में थोड़ा व्हाइट है और अपोजिट साइड में डार्क है, तो अच्छा लुक मिलेगा। मेन चीज है वो लाइट को ये करने की है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपके पास पेन टैबलेट नहीं है और इतना स्मूथली आप नहीं कर सकते तो उसको स्किप कर दीजिए, नॉर्मल ब्रश से पेन पाथ से कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको जैसा चाहिए, एक पाथ सटा के ले लिया, एस्केप बटन दबाया, पेन पाथ ब्रेक हो गया, दूसरा हेयर ड्रॉ किया, पेन पाथ ब्रेक किया, फिर तीसरा, एक दो ऐसे ही एक दो बाहर निकले हुए, क्योंकि एक इससे करने से क्या होता है, स्मूथ हेयर आ सकता है। अभी देखो कर्व करना निकलना है तो कैसे ये स्मूथ कर्व हो जाएगा, सेम वैसे ही यही चीज आप उन ब्रश से नहीं कर सकते। सेम वैसे दूसरा पार्ट ड्रॉ किया, फिर तीसरा, ऐसा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कीजिए आप। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कर रहा हूँ। और फिर से ब्रश लिया, जो मैंने 19 नंबर का ब्रश बोला था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सभी ओपेसिटी 100% कर लीजिए। अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन से आ रहे हेयर को हमें क्या करना है, व्हाइट कलर का करना है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर सिलेक्ट कर दिया। पेन टूल सिलेक्ट करके पूरा पाथ सिलेक्ट कर दीजिए, पूरा पाथ सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ कर दिया, यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर दिया, यहाँ सिमुलेशन
प्रेशर का ऑप्शन ऑन कर दिया। कई बार क्या होता है, ये राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, विंडोज में जाके यहाँ पे पाथ है, इधर गया पाथ, ये देखो इधर पाथ है, उसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आता है, तो इसको राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करेंगे और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो आ गया है। हालांकि यहाँ का ब्रश साइज बहुत बड़ा है, हमें जितना हेयर चाहिए तो उतना करीबन यहाँ पे देखोगे तो 5% करेंगे तो 5-4-3% करेंगे तो अच्छा आ जाएगा। उसके बाद सभी पाथ को सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करने के बाद देख सकते हैं जिसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नुकीला है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा शार्प है तो उसको थोड़ा फिल्टर में जाके ग्लॉश एंड ब्लर कर सकते हैं 1-2%, ताकि वो एकदम शार्प ना लगे, अपनी फोटो के हिसाब से उसको बाद में ब्लर कर देना है। ओके, सेम ये न्यू लेयर लेके यहाँ पे अपोजिट साइड से पेन पास से आप ब्लैक कलर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अभी इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेना है, ब्लेंडिंग मोड कलर रखना है और हमें इस डायरेक्शन से कौन सा कलर आया है वही कलर अपने हेयर पे डाल देना है। सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है ताकि कलर का एजेस है वो स्मूथ दिख सके, तो यही कलर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपने हेयर के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ पे थोड़ा ग्रीन है तो मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया और अपने फोटो के हिसाब से उसको कम ज़्यादा लेयर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं ओपेसिटी। ओके, तो ये फास्ट में किया है, एक्चुअली में मैंने कैसे किया है आपको फोटो दिखा, तो एक्चुअली मैंने ये फोटो किया है, उसका हेयर क्रिएशन वगैरह सब किया है, सिर्फ वो आपको दिखाने के लिए मैंने आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेयर का डिटेल है वो थ्री डॉट वाले ब्रश से किया है, यहाँ पे बाउंस लाइट दिखाया है और एक दो हेयर यहाँ पे डाल दिया है और अपोजिट साइड पे थोड़ा सा ब्लैक हेयर ड्रॉ किया है। इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं, आप भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें हेयर के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये करने में रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत मेहनत का काम है, मैं आपके लिए करता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही डिटेल में आगे की वीडियो रहेगा, पर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।